बलात्कार जाता तशा प्रकारचं नरक आमच्या लोकांनी ज्या लीडरांनी करून दाखवलं असा आणि अशा प्रकारचे नरकान आम्ही जगपाचे तरी कसे हे एक मोठे चॅलेंज जाऊन असा. त्या लागून आम्ही सगळे आयचे गोवचे सगळे भाव आणि बहिणा एक बदल करूया. आम्ही डेफिनेट आपल्या मनात एक विश्वास निर्माण करूया आणि आम्ही ठरवूया की येणारे 14 फेब्रुवारी हो जो व्हॅलेंटाईन डे जो असा तो व्हॅलेंटाईन डे आम्ही वेगळ्या पद्धतीने सेलिब्रेट करतले. व्हॅलेंटाईन डे जो असा तो आम्ही एक चेंज म्हणून सेलिब्रेट करतले आणि व्हॅलेंटाईन डे जो असा तो आम्ही एक आमच्या जीवनातलो बदल टर्निंग पॉईंट हो असं सिलेक्ट करतले. आमकां खबर असा की आम्ही जे वेगवेगळी मार्ग आहे पहिली फाटल्या जेव्हा कोविडच्या टायमाचेर जे बीजेपीचे सरकार आशिल्ले त्या सरकारान आमकां एक्च्युली सगळ्यांक सांत्वन करपाक जाय आशिल्ले. आमकां घराघरांच्यो ज्यो वस्तू जाय आशिल्ल्यो पावोवपाक जाय आशिल्ल्यो पूण ह्या बीजेपीन कितें केलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 400 रुपयाची बॅगां 500 रुपयांक विकली, 800 रुपयाची बॅगां 1000 विकली आणि वयल्यान तोंड घेवन सांगता वयल्यान की आमी पडट्या हे 400 रुपयाचे बॅग जे आसा ते 500 रुपयांक विकला म्हणून. आणि हो टायम नाशिल्लो तो बॅग विकून लोकांचे पोट भरपाचे आशिल्ले. हो टायम आशिल्लो लोकांक सहानुभूतीचो, हो टायम आशिल्लो लोकांक आधाराचो, हो टायम आशिल्लो लोकांक आपल्या एक सहानुभूतीचो आशिल्लो आणि त्या टायमार लोकांक तेंच्यानी फ्री दिवंक जाय आशिल्ले ते दिवंक शकले ना. आणि वयल्यान तोंड घेवन सांगता की आमी पडट्या टायमार म्हणजे जे डिफिकल्ट टायम आशिल्लो त्या टायमार गोंयकारांक आमी पावले म्हणून. हांकां लस दिसपाक जाय ज्यांचे सरकार हांगा गोंयान चलता ते सरकार अशें सांगता काय कितें की ज्या टायमार त्याची जबाबदारी आशिल्ली त्याची रिस्पोन्सिबिलिटी आशिल्ली की त्या टायम ज्या टायमार सरकार चलताले तेंगेले हांगा ज्या टायमार त्या सरकाराचे लोक जे आसात जनता जी आसा ती त्रासान पडलेली आसा त्या जनतेक तेंच्यानी पावप हे तेंची जबाबदारी जावन आशिल्ली. तरी आसतना ते निर्लज्जपणान सांगता की आमी हेका पावले म्हणून ते 500 रुपयाची बॅग विकून. सो ह्यो ज्यो गजाली ज्यो जावन आसा ह्यो आमकां फटोवपाच्यो गजाली जावन आसा, ह्यो गजाली आमकां दिशाभूल करपाच्यो गजाली जावन आसा आणि ताका लागून आमी ठरोवया ह्या फावटी जे दिल्लीच्यान केजरीवाल सरकाराचे लोक जे आयले कार्यकर्ते गोंयान आयले ताणें जीएमसी सारख्या हॉस्पिटलान लोकांक ऑक्सिजन सिलिंडर्स पावयले, गांवा गांवांनी राशन पावयले. एक्च्युली तेंगेले हांगा काय रिस्पोन्सिबिलिटी नाशिल्ली तरी आसतना मनीसपणाच्या दृश्टीकोनातल्यान आणि मनीसपणाच्या माणुसकीच्या दृश्टीकोनातल्यान तेंच्यानी जे गांवा गांवांत राशन पावयले ताका लागून आमी सगळ्यांनी एक दिलगिरी व्यक्त करपाक जाय केजरीवाल सरकाराक आणि ह्या आम आदमी पार्टीक जेणे करून येणारे दीस जे आसा ते आमी एक बऱ्या प्रकारचे दीस आमी गोंयान जर पळयतले जाल्यार एक चेंज आमी हाडुया आणि येणाऱ्या काळान आमी 14 फेब्रुवारीक आम आदमी पार्टीचो झाडू जो आसा ताचेर बटन मारून आमी सगळे बदल घडोवया आणि आमचे जीवन एक जीवनान एक नवी सकाळ घडोवन हाडुया. सगळ्यांक तुम्ही माझे दोन शब्द ऐकून घेतल्या बद्दल काळजांतल्यान देव बरे करू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. 10 मिनटां भितर आमचे अरुणजी केजरीवाल हांगासर पावता त्या मध्ये हांव आपयतां बेबिंडा फर्नांडीस महिला अध्यक्ष नावेलींची ताचे कडेन गितांनी वेदीर येवचे. तशेंच बेटिल्डा डिसिल्वा एक्स ZP कॅन्डिडेट आम आदमीचे ताचे कडेन मागता की ताणें स्टेजीर येवचे. आतां एक हांव हांगा पावलो बेगीन पावलो म्हणून हॉटेलार गेलो जाल्यार हॉटेला वयलो सहज एका आवटसायडरा कडेन उलयतालो गोंयकार हॉटेलकार तो तेका पोटतिडकीन सांगता ह्या फावटी बदल जाय हा म्हणून. म्हाकाय मजा दिसली हांवें मास्क घातलेलें. हांवें म्हणलें कित्याक बदल जाय हांव डॉमनीक गांवकाराचे कडेन मागता की ताणें वेजीर येवचो. ताका विचारलें हांवें कित्याक बदल जाय तो म्हणलो हे बीजेपी सरकाराचे जोक सांगता म्हणपालो. हांवें म्हणलें कसलो जोक? पयर एक ताणें जोक सांगला मोदीन येवन 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हणून. मागीर जोक कसलो? तो म्हणटा फाटली सबसिडी आहा पळय तीच दिवना, 3 सिलिंडर खंयचे फ्री दितले? लोकांचे गृह आदार मेळना, 3 सिलिंडर खंयचे फ्री दितले? सो हो जोक फाटली 5-10 वर्सां आमी आयकता. हे जोकर आमकां फक्त जोक सांगता, हांकां बळी पडूं नाका. हांव मागतां प्रतिमा बाई कडेन की ह्या वेळार प्रतिमा आमचे कडेन एक कॉन्फिडन्सान आम आदमी पक्षा कडेन 2 सीट कन्फर्म आसा 100%. हे शिरोडेचो आनी दुसरो नावेलेचो. कारण नावेले ह्या वर्सा म्हणटा खूब जाली, खूब सत्ता पळयले, खूब फटींग लोक पळयले, पूण एक वाघीण आसा पळय वाघीण ती नावेले जल्मांक येली. मागीर ते खंयच्या बायलेचेर अन्याय जावं अत्याचार जावं ते सगळ्यांक फुडें रावता, जे पुलिसाचे दाणे खाता, लोकांच्यो गायो खाता, पूण सामान्य मनशा खातीर झगडटा ती वाघीण आता तुमच्या मुखार येता. एडवोकेट प्रतिमाबाय कुतिनो.
माचेर आशिल्ले आमचे बाब गॅबी, तशेंच आमचे बाब अनिल, म्हज्या लेफ्टन आसा बाब डॉमनीक गांवकार, आमचे बाय मातिल्दा, आमचे महिला अध्यक्ष बाय बेबिंदा, पत्रकार भाव, तशेंच तुमी म्हजे चड आनी चड मोगाचे नावेलकार आनी हेर मानेस ते हांगा आयल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक ह्या सभेक एडवोकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनो जे कॅन्डिडेट आसा तुमचे नावेली असेंब्लीचे ताजो योकार आनी नमस्कार. खरेंच म्हाका हांव बसलें आनी चित्तालें, आमी तुमकां आपयलें चार वरांचेर आनी वत आशिल्लें, तरी पासून तुमी आयलीं आनी वतान बसलीं आनी पासियेंसान बसलीं. तें दाखोवन दिता की तुमचो मोग आम आदमी पार्टीच्या कडेन, तुमचो मोग म्हजे कडेन. आयज म्हाका खबर आसा, आयज नाविनीत आयज लास्ट डे मिटिंगाचो आनी तीन सभा आसा. आयज आमची आसा, आयज काँग्रेसाची आसा, आयज भाजपाची आसा, पूण तरी पासून तुमी इतले संख्येन हांगा हाजीर जाल्या म्हणून तुमकां पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. आतां पयले सुवातेर तुमकां सांगता, टायम आयल्लो आसा 2 दीस उरल्या, 14 फेब्रुवारी ह्या तारखेर तुमच्या हातांत तुमचो हक्क आसा, जो कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा हो डेमोक्रेटीक रायट तो तुमच्या हातींत आसा. आनी तो कितें की 14 तारखेर तुमी विचार करून चिंतून त्या दिसा वोटिंगाक वचपाचे आसात. आनी जेन्ना वोटिंगाक वतात तेन्ना तुमी फूल कॉन्फिडन्स आनी फूल चिंतून तुमी वतले म्हणून म्हाका भरपूर खात्री आसा. आनी खात्री कित्याक आसा, कित्याक तुमी पळयलां, कोणें विसरचें न्ही तें. 5 वर्सांचेच खबर घेयात, चड आनी फाटी गेले आनी रडपाक येतले. आमी सत्ता दिली, 25 वर्सां आमी दिली काँग्रेसाक, 15 वर्सां दिली आमी भाजप सरकार, टोटल 40 वर्सां आमी दिली कोणाक, भाजपाक आनी काँग्रेसाक. चला रूल करा, तुमकां एक चान्स दिता म्हणून. आनी आमी तेंकां एक चान्स दिली, एक संदी दिली, पूण हेणी कितें केलें, फक्त आपलें भरलें, फक्त आपलें चिंतलें, लोकांचें कोणेंच चिंतूं ना, आपलें सेल्फ डॅवलॉपमेंट चिंतलें. आतां 2017 तुमी पळयलां आसतलें आनी हांव तुमकां याद करून दितां, 2017 बीजेपी नाका बीजेपी म्हणून चड जाली फटींगपणां, आजचे दीन हांचे नाका म्हणून आनी ऑप्शन ना म्हणून आमी काँग्रेसाक वोट घातलो. काँग्रेसाक वोट घालून 17 सीट दिले. उडगासान दुरात याद करता, कित्याक म्हणटात न्ही पीपल्स मेमरी शॉर्ट म्हणून, 17 जाण दिले. आयज गोंयांत तुमकां खबर आसा, भुरग्यांक खबर आसा, जाणटेल्यांक खबर आसा, आयज 17 एकलोच उरला काँग्रेसीक, तोय कित्याक लागून, आपल्या फायद्या खातीर सीएम जावपाक जाय म्हणून. हे जाणटे जातात पूण हेंची आस भागना. तेणी सांगला तेणी तांचो कोण हे तो, हॅव दे टोल्ड हू इज देअर चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट, आम आदमी पार्टी बाब केजरीवाल हॅज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आर कॅन्डिडेट, यंग युथफूल डायनमीक एज्युकेटेड असल्या मनशाक प्रोजेक्ट केल्लो आसा. आतां तुमी पळयलां आसतले 17 कितले तरी पयले 2-3 जाण गेले काँग्रेसीक, मागीर होलसेलान 10 जाण गेले. हांकां मतां तुमी कित्याक लागून दिल्ले, तुमी हांकां मतां दिल्ली बीजेपी नाका म्हणून, तुमी हांच्या सिंबॉलार वोट मारिल्लो कित्याक, तुमकां फटींगपणां नाका म्हणून. ते एक जाले फटींग बीजेपी, तुमी कोण जाले रे काँग्रेसाचे, सगळे होलसेलान बीजेपी कडे गेले ते, तुमी होलसेलान गेले ते कितें जाले, तुमी फटींग,
लोकांक तेनी नाळले, लोकांक तेनी पटयले, आमकां खूब पटयले, आमकां खूब नाळले नी, कोणाकडे हे केले, फटींगपणां केली गरिबा बरोबर, मिडल क्लास लोकां बरोबर फायट दिसता. आमी काम केले, हांकां मरून काम केले, कॉन्स्टिट्युएंसीत वचून वचून सांगिल्ले प्लीज म्हणून नाका म्हणून बीजेपी. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, चितात तुमी तुमच्या रांदीत वता तेन्ना, कुजनात वता तेन्ना चितात तुमी, किचनात वता तेन्ना चितात. आयज सिलिंडर कितल्याचो जाला सांगा म्हाका बायल्यो, तुमी होम मिनिस्टर, सिलिंडर कितलो जाला? शुअर 1000 रुपये पावचा, 1000 रुपये पावलो. हे आजचे दिन पेट्रोल येवन सांगा म्हाका पेट्रोल कितले जाला रे? आ 100 100 सायबा बघूस. लायटीची बिलां कितली येतात तुमकां? 2000 1000 आनी कितें? 3000 5000. हे आजचे दिन उदकाचे उदक पूण फ्री मेळपाक जाय आमकां. उदक कितलें जालां? 4000 10000 7000. म्हाका इतलें सांगात आतां, तुमचे भितर हांगा बशिल्ले आसा ह्या सभेंत सगळे, आयज सगळीं कदलां भरिल्लीं आसात. कितले जाणांक गव्हर्मेंट जॉब दिल्यात? तुमच्या कितल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट दिल्यात ह्या बीजेपी सरकारान? हांगा आशिल्लो आमदार लुईसिन फालेरो 5 वर्सां कितले जॉब दिल्यात? तुमकां सांगपाक सोदता, ही जी पार्टी आसा आम आदमी पार्टी, ही गरिबांची पार्टी, ही सामान्य लोकांची पार्टी, कॉमन मॅन्स पार्टी. अरविंद केजरीवाल जो आमचो मोगाचो सीएम आसा दिल्लीचो, जो आमचो कन्व्हेनर आसा दिल्लीचो, आतांच आमचे मध्ये आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड कन्व्हेनर ऑफ आम आदमी पार्टी हांगा पावले आसा. गोयची सत्ता खूब पक्षांक घेऊन पळयली, सत्तांत येऊन सगळ्यांनी गोयचे जनतेक पटयली. अच्छे दिन दाखयता म्हणून पटयले गोयकारांक, केले ताचे सदिव्या एक चान्स केजरीवाल, केजरीवाल एक चान्स केजरीवाल, केजरीवाल बंद करूया कमिशन, सोपोया गोयांत करप्शन, टॅक्साचो पैसो लोकांक दिव्या, नव्यो नव्यो स्किमी काढूया, लायट आणि फुकट उदक सगळ्या गोयकारांक, फुकट तीर्थ यात्रा 1000 रुपया. सगळ्यांनी गोयचे जनतेक पटयली, गोयची सत्ता खूब पक्षांक दिवन पळयली, सत्तांत येवन सगळ्यांनी गोयचे जनतेक पटयली. अच्छे दिन दाखयता म्हूण पटयले गोयकारांक, केले ताचे सदिव्या एक चान्स केजरीवाल, केजरीवाल एक चान्स केजरीवाल, केजरीवाल बंद करूया कमिशन, सोपोया गोयांत करप्शन, टॅक्साचो पैसो लोकांक दिव्या, नव्यो नव्यो स्किमी काढूया, लायट आणि फुकट उदक सगळ्या गोयकारांक, फुकट तीर्थ यात्रा 1000 रुपया बायलांक, लायट आणि फुकट उदक सगळ्या गोयकारांक, फुकट तीर्थ यात्रा 1000 रुपया बायलांक. केन्ना कोणे जितूंक ना, केन्ना कोणे करूंक ना, जाची आमी वाट पळयता ते अरविंदजी केजरीवाल हांगा पावले आसा. तुमच्या ताळयांनी आमी हांगा नावेलें तांचे स्वागत करुया. आय वेलकम यू सर,
इन नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी. इट्स अ ऑनर टू हैव यू हियर. सगळी बसात. हां थोड्याच मिनिटां कवर करता कित्याक तुम्ही सराच्या ऐकपात हंगा असं राहिले असा खबर असा. हां सांगताले की गोयात आम्ही 40 वर्षा बीजेपीक आणि काँग्रेसाक चान्स दिलो पण ना बीजेपीन किती केले ना काँग्रेसान किती केले. पण हांव इल्लेशेच सांगता जे आमचे सर असा अरविंद केजरीवाल ही आयएएस ऑफिसर तो लोकां खातीर त्याने आपले जॉब सोडलो आणि तो सकाळ आयलो आणि म्हणलो एक चेंज असपाक जाय. त्यांची चळ झाली फोटिंगपणा काँग्रेस आणि बीजेपीची म्हणून आणि दिल्ली त्याने लोकांक सांगले आपल्याक एक चान्स द्यात एक चान्स. लोकांनी त्याका बीजेपी आणि काँग्रेसाक कुशीन दवरलो आणि सर केजरीवालाक आम आदमी पार्टी जे आमचे झाडू असा तिका चान्स दिलो. इतले बरे इतले बेस्ट झाले की आम आदमी सरकार बारीक लोकांनी तुमच्या असल्या लोकांनी निवडून हाडलो आणि मागीर लाईट आयज दिल्ली. आयज दिल्ली लाईट लोकांक फ्री मेळटा. आयज उदकाची बिलां भरपाक पडना. आयज हॉस्पिटल तुम्ही पळयात ते जीएमसी तुम्ही पळयात ते साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविडा टायमार आमचे कितले लोक मेले ऑक्सिजन ना म्हणून यांच्यानी आमचे टॅक्साचे पैसे खाले यांना शिराब लागतले आमच्या गोयकारांचे. पण दिल्ली जे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आशिले सरकारी हॉस्पिटल या मनशान आयज सरकारी हॉस्पिटलात सगळे ट्रीटमेंट सगळे फॅसिलिटीज फ्री करून दिल्या. दुसरे एम्प्लॉयमेंट 10 लाख एम्प्लॉयमेंट दिला त्याने रोजगार आणि ते रिश्वत घेनासताना. तिसरे म्हणता ते एम्प्लॉयमेंट लोकांनी जॉब झाले हेल्थ झाले एज्युकेशन सरकारी स्कुलां असा ती आज इतकी बरी केल्यात की प्रायव्हेट स्कुलातले 2.5 लाख भुरग्यांनी काढून हेज्या स्कुलात म्युन्सिपाल्टी आणि गव्हर्नमेंटा स्कुलांत बायलांनी सांगता मोहल्ला क्लिनिक केल्या वाड्यार वाड्या क्लिनिक ट्रीटमेंट फ्री फ्री ट्रीटमेंट वखदां फ्री मोहल्ला क्लिनिक्स आणि सेपरेट बसीस केल्ली असा. हांव सांगता नागरी लोकांक म्हाजे उतर म्हाका चान्स दियात एक चान्स दियात. हांव एम्प्लॉयमेंट हो म्हजो मुद्दो आसलो. प्रत्येक जे शिकलेले भुरगे आसात तांकां जॉबाक लावपाची म्हजी जबाबदारी आणि चड कोण सांगू शकता ते जॉब तुमकां पैसे दिनासतना मेळटले हे म्हजे उतर असा. दुसरे तशेंच तुमचे हेल्थाक लागून जे हांगा व्हायट एलिफंट करून दवरिल्ले आसा आनी कमिशन खावन सगळ्यांनी ते 24 आवर्स बेडेड हॉस्पिटल जातले विथ फ्री ट्रीटमेंट अँड फ्री मेडिसिन्स विथ 24 आवर्स डॉक्टर्स ऑन ड्युटी. येस मोहल्ला क्लिनिक वील बी माय प्रायोरिटी. शेतां शेतकार असा नाविली शेतांनी आम्ही तुमकां स्मॉल मार्केट्स करतली आणि विडींग मशीन जावं फार्मेस्टिंग मशीन जावं ट्रॅक्टर जावं हे हांव करतले. हँडिकॅप भुरग्यांनी हांवें स्किम्स दवरिल्ली आसा आणि तशी बायलांनी हांव कोर्सीस घालून स्किल युनिवर्सिटी आसा तसले कितें करपाक सोदतले आणि चड करून सी फॅरस हांकां पेन्शनाची जबाबदारी म्हजी आसतली. खूप असा ऑग्रा आसात क्लीन करपाची आमची सॉल्ट पॅन बांय हे सेकेंडरी पण जॉब और अपग्रेडेशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड बिकॉज वी हॅव बेस्ट ऑफ फुटबॉलर्स इन नावेली. हेल्थ पोलीस स्टेशन अँड एज्युकेशन वील बी माय प्रायोरिटी. आता चड उलयना म्हाका 14 तारखेर भायर सरात नावेलीकारांक सांगता चड झाले तुमकां यांनी चड फटयले हे खंय आशिल्ली टीएमसीच्या बालांका आले हांव खंय आशिल्ले ते वशी देर विथ यॉल इन कोविड क्रायसीस. कोविड झाले त्यांना ऑक्सिमीटर जाय प्रतिमा टीम घेऊन आयले प्रतिमा मेडिसिन जाय टीम घेऊन आयले जेवण जाय तुमचे कुजनात पावले मेडिसिन जाय केले तुमकां खंय आशिल्लो तो आवार्थान फुटादो खंय लिपून बशिल्लो तो 5 वर्सां अरे तू मंत्री जाल्लो मरे तुवें एक शेत पुरोवन फक्त आपले पेट्रोल पंप केला त्याच्या भायर कितें केलां म्हज्या लोकांक कितें केलें 5 वर्सां कोविड टायम आयलो तू कोणाच्याच दारांत दिसती पडूं ना. आणि लुईसिन फालेरोचो काँग्रेसाचो टॉलेस्ट सीएम आशिल्लो टॉलेस्ट 30 इयर्स तुका लोकांनी म्हणून आसले तुवें ताका जॉबूय दिवना आणि कोविडा टायमार मरपाक उडयले. आणि लास्ट जो उल्लास्ट वाकर बसला खंयच्या तोंडार बीजेपीचे बसला अरे म्हारगाय पळय सिलिंडर लायट उदक कोविडा टायमार कोणाकच पावना. हांव तुमकां सांगता म्हजे उतर क्रिटिकल टायमार हांव तुमच्या बरा पावले. केजरीवालान सरान म्हाका सांगले गो अहेड दी 7,500 लोकांनी हांवें राशन पावले ऑक्सिमिटर्स पावले. लास्ट सांगता 14 तारखेर भायर सरात म्हजो नंबर 6 झाडू मेळटलो मारात दाबून जाबून झाडूचेर तो वोट आणि क्लीन करूयात झाडू हो कचरो क्लीन करता हो कचऱ्याक क्लीन करा. एक ऑप्शन असा एक चान्स दियात एक संधी तुमचे बरे करपाक मातशे सेल्फिश जायात या पाटी तुमचे चितात. आणि म्हाका गर्वान सांगपाक मेळटा की हे जो लावक बशिल्लो असा हांकां 500 रुपया दिवना हांकां 300 रुपया दिवना
एका फुकट हाडला की ते आपल्या मोगान आयल्यात. आणि लास्ट माझं बटन रिमोट बटन विल नॉट बी इन माय फादर्स हँड्स, विल नॉट बी इन माय ब्रदर्स हँड, नॉर इट विल बी इन माय हजबंड्स हँड. माय रिमोट कंट्रोल विल बी इन युअर हँड्स. व्हॉट यू ऑल टेल मी आय विल डू. आय हॅव ऑलवेज स्ट्रगल्ड, आय हॅव ऑलवेज बीन द व्हॉइस ऑफ गोवा, नाउ आय विल बी द व्हॉइस ऑफ नावेली. अँड नो मॅटर व्हॉट, लेट देम पुट 12 केसेस टुडे, अवर्तन हॅज पुट 13 केस ऑन मी. अ वुमन हेटर, लेट देम पुट. बट लेट मी टेल ऑन लास्ट, काँग्रेस बीजेपी बच्चे रेस्ट द्यात, या पार्टी फक्त आम आदमी पार्टी चान्स द्यात. व्हॉट फॉर झाडू, व्हॉट फॉर आप. जय हिंद. देव बरे करू. प्रतिमांक खूब उलोवपाक जाय, खूब उजो भायर काडपाक जाय, पूण आमकां गरज आसा. जो मनीस दिल्ली साफ करून येला तो गोंय साफ करतलो तुमच्या साक्षीन येता ते 14 तारखेक. एक चान्स, एक चान्स, एक चान्स, एक चान्स. हा मत्ता केजरीवाल सरान संबोधित करते. यहां पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. कशे आसात तुम्ही? मुझे बहुत ज्यादा कोंकणी नहीं समझ आती, लेकिन अभी मैं प्रतिमा को सुन रहा था. नावेले की शेरनी है, है कि नहीं है? आप लोगों की आवाज बनेगी है, आप लोग साथ दीजिए. महिला है, महिला है तो ये लोग कुछ भी बोल देते हैं. अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कि अवर्तन है ना उसका नाम, अवर्तन जो वो दूसरी पार्टी से है, वो कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था. आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी के बारे में. लेकिन ये भी डटी हुई है, ये लड़ने वाली है, ये छोड़ने वाली नहीं है. मैं भी सुन रहा था, बहुत ज्यादा तो नहीं समझ आया, लेकिन कुछ कुछ समझ आ रहा था कि मैं आपकी आवाज बनूंगी, आपकी जो आप कहेंगे वो करूंगी और उन लोगों से लड़ूंगी. तो आप सब लोग मिलके इसको अच्छे से वोट दीजिएगा. पिछले 1961 में गोवा लिबरेट हुआ, तब से लेके आज तक 27 साल गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया. इन दोनों पार्टियों ने मिलके गोवा को लूट लिया. इन्होंने पिछले 60 साल में बीजेपी, एमजीपी, कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने मिलके गोवा को लूट लिया. आज गोवा की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, उन सब के लिए ये तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं. आज गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है. मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 20-25 साल में गोवा में एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी कॉलेज नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? ये सारा इन लोगों की पॉकेट में गया. ये सारे नेताओं ने मिलके गोवा को लूटा और गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया है. अगर हम पूछे कि 5 साल में बीजेपी ने क्या किया, इन्होंने एक से बढ़के एक स्कैम किया है. इन्होंने जॉब स्कैम किया, इन्होंने लेबर स्कैम किया, मेरे पास लंबी लिस्ट है. वेंटिलेटर स्कैम, जब लोग गोवा में लोग मर रहे थे कोरोना के टाइम में, ये लोग स्कैम कर रहे थे बैठ के. वेंटिलेटर स्कैम किया, ऑक्सीजन स्कैम किया, जॉब स्कैम किया, पावर स्कैम किया, लेबर स्कैम किया, कचरा स्कैम किया. 5 साल में बीजेपी ने स्कैम के अलावा कुछ नहीं किया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया. उसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस भी स्कैम ही करती थी. पहले दिल्ली का भी यही हाल था, हमारे से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी. उस टाइम पूरे देश में लोग दिल्ली को जानते थे कि स्कैम की कैपिटल है. शीला दीक्षित जी के टाइम में कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, सीएनजी स्कैम हुआ, ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ. लेकिन 7 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है, तब से स्कैम बंद हो गए. और आज दिल्ली को कैसे जानते हैं लोग, कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए, दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए, दिल्ली में बिजली आने लगी है. सुना है कि नहीं सुना?
पूरे देश के अंदर आज लोग दिल्ली को स्कूल हॉस्पिटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अपने को गोवा को भी बदलना है। 14 तारीख को अपने पास मौका है, हम झाड़ू का बटन दबा के गोवा की भी तकदीर बदल सकते हैं। इन सारे स्कैम वालों को हरा के एक ईमानदार पार्टी को ला सकते हैं। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, एक मौका गोवा के अंदर की दीजिए, गोवा के अंदर भी करके दिखाएंगे। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, लेकिन मैं आपके लिए 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूं कि आम आदमी पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो गोवा के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे। पहला काम, 1961 से लेके आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई सब करप्ट गवर्नमेंट्स थी, सब भ्रष्ट सरकारें थी। उन्होंने गोवा का लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। आप मौका देंगे तो गोवा की पहली कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे गोवा के अंदर, करप्शन फ्री गवर्नमेंट। आप पूछेंगे कि अगर आपका एमएलए या मंत्री चोरी करेगा तो? अगर हमारा कोई एमएलए या कोई मंत्री चोरी करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल भेजेंगे, उसको इतनी कड़ी सजा दिलवाएंगे कि कोई भविष्य के अंदर हिम्मत नहीं करेगा दोबारा कोई मंत्री या कोई एमएलए चोरी करने की। कट्टर ईमानदार सरकार होगी हमारी। दूसरा, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं काम कराने, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, लाइसेंस, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते काम कराने के लिए? देने पड़ते हैं ना, बिना पैसे के काम नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, हर चीज के पैसे लगते थे। अब हमने दिल्ली में बंद कर दिया, अब कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती। अब दिल्ली में आपको अपना काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना पड़ता, गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है काम करने के लिए। कैसे? हमने दिल्ली में नंबर जारी किया है 1076। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी काम कराना है आप उस नंबर पे फोन कर दो, आप 1076 पे फोन करो, वहां से पूछते हैं कि आपको क्या काम कराना है। मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आप बोलो मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है, तो वो आपको बताएंगे आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर वो आपसे पूछते हैं कि सर आपको बिजली का कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आए? कभी सुना? पूरी दुनिया के अंदर ऐसे नहीं हुआ। आप कहिए कि मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आइए। रात को 11 बजे दिल्ली गवर्नमेंट से एक ऑफिसर आपके घर आता है आपका बिजली का कनेक्शन देने के लिए, आपका काम करने के लिए। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, कोई दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गोवा में ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। यहां पे बिजली जाती है नहीं जाती है? पावर कट लगते हैं? दिल्ली में भी लगते थे पहले, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई दिल्ली में, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। दिल्ली में मैजिक होता है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। 35 लाख परिवारों को दिल्ली में जीरो बिजली का बिल आता है। जब मैं ये बोलता हूं लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए मैं बिजली के बिल साथ लेके घूमता हूं लोगों को दिखाने के लिए। देखिए इतने सारे बिजली के बिल लेके आया हूं लोगों के, सबके जीरो बिजली के बिल हैं। किसी का 150 यूनिट्स का कंजम्पशन है, किसी का 200 यूनिट्स का, 180 यूनिट्स का कंजम्पशन, ये तो थोड़े से हैं। 35 लाख फैमिलीज का बिजली का बिल जीरो आता है दिल्ली में। गोवा में 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? ये केवल केजरीवाल कर सकता है, ये मैजिक है, केवल मुझे आता है और किसी पार्टी को नहीं आता। तो 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, फ्री बिजली भी मिलेगी, 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। अभी कैंपेनिंग के दौरान घर घर में जा रहे हैं हमारे लोग, हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, डिग्री ले लेके घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं।
इन पार्टियों ने बेरोजगारी दूर करने के लिए, बच्चों को नौकरी देने के लिए कुछ नहीं किया, केवल इन्होंने जॉब स्कैम किया। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख बच्चों को बेरोजगार दिया है। गोवा में भी सरकार बनेगी, हम यहां पे बच्चों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर बच्चे को 3000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मुझे बताया गया कि गृह आधार कई कई महीनों तक नहीं आता है। हमारी सरकार बनेगी, हम गृह आधार का अमाउंट 1500 रुपए से बढ़ा के 2500 करेंगे, और हर महीने की 5 तारीख तक आपका गृह आधार का पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और कई घर ऐसे हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, बेटी है, माँ है, 18 साल की हर महिला को, जिनको गृह आधार नहीं मिलता, उनको 1000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। इसके अलावा जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहां भी स्कूल अच्छे करेंगे। दिल्ली में हम लोगों ने हॉस्पिटल अच्छे किए, सरकारी हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, 2 करोड़ लोगों को हमने हेल्थ गारंटी दी है कि अगर किसी के घर में कोई भी बीमार होगा उसका पूरा इलाज मुफ्त होगा, चाहे दवाई है, टेस्ट है, ऑपरेशन है, सर्जरी है, जितने भी पैसे लगेंगे सारा इलाज मुफ्त होगा। गोवा में 15 लाख लोग रहते हैं, सब 15 लाख लोगों को हम हेल्थ गारंटी देंगे। इस तरह से ये सारा हमारा एजेंडा है। ये सारी चीजें अगर हम ऐड करें, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महिला को 1000 रुपए देंगे, आपका इलाज मुफ्त करेंगे, ये सब मिला के हर परिवार को हर साल कम से कम 2 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का हर परिवार का बेनिफिट होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे हो कि केजरीवाल आके लंबी लंबी फेंक रहा है, कुछ भी बोल रहा है ना। सब नेता आते हैं चुनाव में, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, फिर करते नहीं है। तो आपके मन में चल रहा होगा क्या गारंटी है कि हम करेंगे। दिल्ली में हम करके आए हैं, ये जितनी बातें मैंने बोली सारी बातें मैंने दिल्ली में की हैं। तो अगर दिल्ली में की हैं तो गोवा में भी करेंगे। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के दिल्ली में दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको फोन करना, आज फोन करके उनसे पूछना कि क्या वो केजरीवाल की सरकार से खुश हैं। अगर वो कहें खुश नहीं है, मुझे गोवा में वोट मत देना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कौन बोल सकता है। दिल्ली के लोग हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं, हमने उनके लिए काम किए हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। दिल्ली में कोई भी अगर किसी मुसीबत में होता है हम उनके साथ खड़े होते हैं। इतना बड़ा चैलेंज कोई दे सकता है कि दिल्ली में फोन करके पूछना, अगर वो कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। तो ये सारे काम मैं दिल्ली में करके आया हूं, हम गोवा में करेंगे। यहां पे बहुत सारे कांग्रेस के वोटर्स बैठे होंगे, कुछ बीजेपी के वोटर्स बैठे होंगे, उनको सबको मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी मत छोड़िए, आप कांग्रेस में ही रहिए, बीजेपी में ही रहिए, जिस पार्टी में वहीं रहिए, लेकिन इस बार एक बार आप सब लोग, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, दूसरी पार्टी वाले भी, सब लोग मिलके एक बार झाड़ू का बटन दबा देना। मेरे लिए नहीं, हमारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए। आपने इतनी बार, जितने कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, आपने 27 साल कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस ने क्या किया आपके लिए, कुछ नहीं किया। आपने 15 साल बीजेपी को वोट देके जिताया, बीजेपी ने क्या किया आपके लिए, कुछ नहीं किया। एक बार हमें वोट देके देखिए, अगर हम काम ना करें अगली बार हटा देना हमको,
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के लोगों ने एक बार हमको वोट दिया था, बाकी सारी पार्टियां साफ हो गई, उसके बाद उन पार्टियों को वोट मिलना बंद हो गया दिल्ली के अंदर। एक बार दिल्ली के अंदर आप हमें वोट दीजिए, बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे आप। कल मैं जब गोवा पे एयरपोर्ट पे उतरा, एक लड़का मिला मुझे, मैंने उससे पूछा किसको वोट दोगे, बोला सर झाड़ू को। मैंने कहा कैसे, चुनाव के पहले वाले दिन तो वो पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते। मैंने कहा वो पैसे लेके आएंगे फिर क्या करोगे, दारू लेके आएंगे फिर क्या करोगे। कहते सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो ये ठीक नहीं है। मैंने उसे पूरा बताया, मैंने कहा देखो हमारी सरकार बनेगी, हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, फ्री इलाज कराएंगे, ये सब मिला के तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा होगा। मैंने कहा वो लोग कितना देते हैं, कहते सर 1500-2000 रुपए एक वोट के देते हैं। तो मैंने कहा उनसे 2000 रुपए क्यों लेते हो। तो फिर वो सोचने लग गया, फिर थोड़ी देर में बोलता है सर 2000 रुपए उनसे ले लूंगा, 10 लाख रुपए आपसे ले लूंगा। तो मैंने कहा कैसे, कहता चुनाव के पहले उनसे 2000 रुपए ले लूंगा, उनकी दारू ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा, आपकी सरकार बना दूंगा, फिर आप 10 लाख रुपए का मुझे बेनिफिट दे देना। पिछले साल जब कोरोना हुआ था तब आपके घर में राशन बांटने के लिए कौन आया था, प्रतिमा आई थी, आम आदमी पार्टी आई थी, आई थी कि नहीं आई थी। आपका आपकी मदद करने के लिए कौन सी पार्टी आई थी आपके घर में, आम आदमी पार्टी आई थी। उस टाइम बीजेपी कहां थी, उस टाइम कांग्रेस कहां थी, उस टाइम ये दूसरे नेता कहां थे। इनको आपकी कोई चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए थे, हम आपके पास आए थे क्योंकि हमें आपकी चिंता है। कल भी अगर कभी आपको दिक्कत होगी, आपके परिवार में दिक्कत होगी, आम आदमी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नावेली में प्रतिमा को भारी बहुमत देके इस बार एमएलए बनाइए और विधानसभा में भेजिए। सावरडेम से अनिल गांवकर जी है, इनको भी भारी बहुमत देके आप लोग जिताइए। कुरतरिम से डोमिनिक गांवकर जी हैं, इनको भी खूब वोट देके भारी बहुमत से आप लोग जिताइए। कुरचोरिम से गैब्रियल फर्नांडिस हैं, इनको भी भारी बहुमत देके आप जिताइए। फिर से लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि 27 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया, एक और बार 5 साल अगर इनको दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही काम करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले। 15 साल आपने बीजेपी को दिया, एक और 5 साल दे देंगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले। एक बार नई पार्टी को ट्राई करके देखते हैं, नई पार्टी है, नए कैंडिडेट्स हैं, नए चेहरे हैं, नए आइडियाज हैं, नई राजनीति है। एक बार आम आदमी पार्टी को देके देखिए, बाकी सारी पार्टीज को आप भूल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Went to the Chief Minister, Mr.